एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है जम्मू कश्मीर के गांदरबल से, जहां पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मजदूरों को निशाना बनाते हुए हमला कर दिया है, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है। दोनों मजदूर गैर कश्मीरी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों के लिए सर्च ऑपरेशन यहां जारी कर दिया गया है। 2 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। फिर से 2 मजदूरों की हत्या की गई है। फिर से आज तीसरे दिन ये दूसरा वाकया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा। उस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है, जिससे कि इस प्रकार की हत्याएं जो जानबूझ करके की जाती हैं दहशत फैलाने के लिए, बाहरी लोगों ये अच्छा नहीं है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत जी, एक बड़ा आतंकी हमला है और क्या ताजा जानकारी इसके बारे में? जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से ये हमला किया गया, ये गगनगीर एरिया है, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वहाँ पे टनल प्रोजेक्ट्स का काम चल रहा है जो लद्दाख को कश्मीर के साथ टनल जोड़ रही है। और बताया जा रहा है ये टनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और अचानक इन पे हमला किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि मिलिटेंट कहाँ से आए, किस रास्ते से आए, क्या वो टनल के अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की, अभी ये डिटेल सामने आ जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया तो ये दोनों की लाश जो है स्पॉट पे ही थी, यानी ऑन स्पॉट उन दोनों की मौत हुई है और अभी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच गए हैं। लेकिन क्या इस इलाके में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है, जिसको अब ढूंढने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिन हालात में ये अटैक हुआ है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नॉन लोकल्स को फिर से एक बार निशाना बनाया गया है। शुक्रिया।